सोलन शहर में सबसे पहले चंबा घाट में एक साथ चार व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से सारा सोलन दहशत में आ गया था। उसके बाद सोलन शहर के दूसरे कोने खुंडीधार में अंबाला से आए एक परिवार की छोटी सी बेटी कोरोना पॉजिटिव निकली। उसके बाद इसी परिवार के दो सदस्य पॉजिटिव आ गए हैं, जिसको लेकर सोलन शहरवासी सकते में आ गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि खुंडीधार में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बाजार में घूम कर गया है, तो शहरवासियों के होश फाकता हो गए, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने तीन दुकानों से सामान खरीदा था, जिसके चलते तीन दुकानों को एहतियातन बंद करवा दिया गया। सोलन शहरवासी इस खबर से इतना दहशत में आ गए हैं कि बाजारों में आज अन्य दिनों की तुलना में बहुत कम लोग नजर आए। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि जो व्यक्ति पिछले कल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वे अंबाला से सोलन आए थे और वे होम क्वारंटीन किए थे। इनमें से एक व्यक्ति को नौणी कोविड केयर सेंटर नौणी में भेज दिया गया है और बाकी अपने घर पर ही होम क्वारंटीन हैं। उन्होंने बताया कि अब स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों की सूची बना ली है जो इनके सीधे संपर्क में आए थे, जिनकी संख्या करीबन 40 के करीब है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जो जरूरी कदम है वे उठा रहा है, ताकि कोरोना के संक्रमण को शहर में फैलने से बचाया जा सके। कुंडीदार जो पॉजिटिव आया है, ये पूरी फैमिली आई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चा और केयर टेकर हैं। ये अंबाला से ये लोग आए हैं और पहले इनका जो टेस्ट लिया गया उसमें सिर्फ बच्चे का ही पॉजिटिव आया, बाकी लोग नेगेटिव आए। तो हमने रिपीट टेस्ट किए, तो रिपीट टेस्ट में जो केयर टेकर थे, एक लेडी है और एक आदमी, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। केयर टेकर को हमने नौनी अपना जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर एडमिट कर दिया है, और वैसे ये सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। और इनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हमने प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की कर ली है, और उसके हिसाब से उनकी सैंपलिंग शुरू की। अब प्राइमरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट बन गई है और उस हिसाब से उनकी सैंपलिंग स्टार्ट हो गई। इनके संपर्क में 40 से 50 लोग तो आए हैं।